आप डी फार्मेसी करते हैं, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो डी फार्मेसी कर लेते हैं और ऐसी जगह से करते हैं जहां पर कि उनका एनरोलमेंट तक नहीं है, मतलब लोग उनसे शॉर्टकट में करवा देते हैं पैसा लेकर, रजिस्ट्रेशन भी और एडमिशन। आज की जो वीडियो का मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि आपने 10वीं और 12वीं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ये प्री कोर्सेज चलते हैं या 10-12 जो करवाते हैं उनसे करने के बाद अगर डी फार्मेसी आपने कर ली है तो क्या वो वैलिड होगी? दोस्तों डी फार्मेसी पर हालांकि हमने पहले कई वीडियोस बनाई हैं, बहुत तरह से आप लोगों को जानकार बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप एडमिशन लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या फीस होगी और भी कई सारी चीजें, कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, क्या अप्रूवल की जरूरत है। साथ में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि सर अगर हमने किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऐसा बोर्ड जो 10-12 कराता है पर वो मान्य नहीं है, ठीक तरह से मान्य नहीं है जो पीसीआई की गाइडलाइंस है, और हमने वहां से कर लिया, बाद में डी फार्मेसी भी कर लिया, तो क्या यह मान्य होगा? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मान्य ना हो और पीसीआई हमारा रजिस्ट्रेशन ही ना करे, ऐसा बहुत बड़ा सवाल है, उसके बारे में आज बहुत कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, दोस्तों है क्या चीज? आप डी फार्मेसी करते हैं, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो डी फार्मेसी कर लेते हैं और ऐसी जगह से करते हैं जहां पर कि उनका एनरोलमेंट तक नहीं है, मतलब लोग उनसे शॉर्टकट में करवा देते हैं पैसा लेकर, रजिस्ट्रेशन भी और एडमिशन। आज की जो वीडियो का मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि आपने 10वीं और 12वीं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ये प्री कोर्सेज चलते हैं या 10-12 जो करवाते हैं उनसे करने के बाद अगर डी फार्मेसी आपने कर ली है तो क्या वो वैलिड होगी? दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, कई बार तो ऐसे भी आए हैं कि डी फार्मेसी जो हमें लोग व्हाट्सएप करते हैं उसका कोई वजूद ही नहीं होता, आपने 10-12 कहाँ से की, कैसे की और आपने कहाँ एडमिशन लिया, किस यूनिवर्सिटी में, वो आपके उन 10-12 के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराएंगे क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। हालांकि जिम्मेदारी तो बनती है पर वो करवाएंगे नहीं उस चीज़ को और आपके ऊपर छोड़ देंगे वो चीज़ें, क्योंकि अगर आपने गलत जगह से की है, कल आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जिम्मेदार वो डॉक्यूमेंट्स होंगे 10th और 12th के, ना कि वो डी फार्मेसी। अब दोस्तों आप जब भी कहीं से भी 10-12 करते हैं, 12th बेस पे होती है डी फार्मेसी, आपने पीसीबी पीसीएम किया, होता क्या है कि स्टूडेंट पास आउट क्या करते हैं, आर्ट्स से पास आउट कर लिया बट उन्होंने अब देखा कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है तो शॉर्टकट में उन्होंने कहीं से डी फार्मेसी करने का प्लान किया, तो 12th तो है नहीं क्योंकि पीसीएम पीसीबी नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो वो 12th का जुगाड़ करते हैं कहीं ना कहीं से, और 12th का जुगाड़ ऐसी यूनिवर्सिटी से या ऐसे बोर्ड से कर लेते हैं जो मान्य ही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा मान्य है कि नहीं, मैंने कई बार बताया है कि बोर्ड से करते हैं तो आप जाके कॉब्से पर चेक कीजिए, कॉब्से जो पूरा बोर्ड है जो सबको वहां पे एनरोल करता है, बताता है, पूरी बॉडी बनी हुई है कौन कौन से हमारे पास बोर्ड से, पूरी लिस्ट है वहां पर, आप उस कॉब्से की लिस्ट पे आप जाओगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी आजकल प्री कोर्स करवा रही है, मतलब कि 12th लेवल का कोर्स करवाती है, क्या वो एलिजिबल है? उसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप पीसीआई को मेल करो या फिर आप खुद जाइए और जाके फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके सवाल पूछिए कि इस यूनिवर्सिटी से 12वीं किया हुआ क्या मान्य होगा, और उनसे वो एप्लीकेशन जो देंगे उनसे रिसीविंग करा के आप ले आइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप कंप्लीट तो सब कुछ कर ले बाद में पछताना पड़े। हमारे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए और हमने जब देखा तो उनकी जो 12th थी वो बिल्कुल भी मान्य नहीं थी, साथ में उनका पैसा खराब हो गया वो अलग। तो मैं उम्मीद करता हूं कम से कम ये गलती आप लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग आप में से लगातार हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं हम लोग आपको अवेयर करते जा रहे हैं डी फार्मेसी करते हुए आप क्या क्या गलती बिल्कुल ना करें, फार्मासिस्ट आप कैसे बनेंगे, किस तरह से आप अपनी फार्मा शॉप अपनी खोलेंगे, मतलब किस तरह केमिस्ट शॉप आप खोलेंगे, और मैंने बी फार्म में बताया था किस तरह से आप लाइसेंस लेंगे, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप बना सकते हैं, उन सब के लिए आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। कोई भी आपका सवाल है, किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह की गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है और किस तरह से अपनी डी फार्मेसी को आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम वीडियोस लेके आते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में, वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।